लेकिन कोई भी विकेट हो 200 चेज करना इट्स नॉट अ इजी टारगेट, और हमारा प्लान ये था कि विकेट जो हमसे डिमांड कर हम उस हिसाब से बॉलिंग करें, और स्पेशली हमें पता था कि अगर डेथ पे 10 रन की एवरेज होगी वो इजी नहीं होगा, पर लेकिन आई थिंक स्पेशली क्रेडिट जाता है डार्को, इस तरह उसने मिडल्स में 2 विकेट एक ही ओवर में ली, कैडमोर और बाबर भी आई थिंक डेट वॉज अ गुड कॉल। अगर आपने पाकिस्तान में हमेशा से परफॉर्मेंस दी है, बाहर भी परफॉर्मेंस दी है, जब अपने क्राउड में आते हैं, क्योंकि आपने रिटायरमेंट ले चुके हैं, अपने क्राउड में आते हैं लेकिन फिर भी आमिर आमिर के नारे लगे होते हैं, आमिर उसी तरह परफॉर्मेंस देता है जिससे आज से 10 साल पहले परफॉर्मेंस देता था, तो क्या दिल में ख्याल आते हैं कि आप वापस इस कंट्री के लिए खेलना चाहते हो या ये अमाम दोबारा आपके लिए? देखिए फैंस का तो आई थिंक आप जितना शुक्रिया अदा करें हम उनका प्यार है और रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मेरा यही होता है कि मैं जिस टीम से भी खेलूँ परफॉर्म करने की कोशिश करूँ, और ये आई थिंक PSL मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि नदीम भाई ने जितने प्यार और यकीन के साथ मुझे कोटा के लिए लिया है, मैं चाहता हूँ कि उनका प्यार है जो यकीन है उस पर मैं पूरा करूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ कोटा में। आमिर, बाबर और आपकी राइवलरी काफ़ी लोग फैंस बहुत पसंद करते हैं जिस तरह आप दोनों का कंपटीशन होता है, क्योंकि दोनों ही ए लेवल की गेम खेलते हैं, तो आज उस कंपटीशन को आपने कितना एंजॉय किया और बाबर और आपके दरमियान क्या बातचीत हो रही थी जब वो बैटिंग कर रहे थे? बातचीत तो इतनी नहीं हुई, आई थिंक अच्छा प्लेयर तो है, लेकिन मेरा ये होता है कि जब भी मैं किसी के साथ भी मेरा रोल होता है कि नया बोल है कोई भी प्लेयर है सॉल्व करने की कोशिश करूँ, और जो आप बातचीत की बात करो मैंने बाउंसर दिया था तो वो कह रहा था कि बहुत तेज निकला वो स्किप कर गया था समझ नहीं है, तो आई थिंक उसने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और जहाँ पे उसकी विकेट गिरी हो जैसे मैंने पहले कहा कि कैडमोर की विकेट गिरी है वो टर्निंग पॉइंट थी। देखिए पहले तो मैंने कराची के साथ 8 साल बहुत अच्छे गुजारे, सलमान भाई ने भी बहुत प्यार दिया, लेकिन कोटा भी एक ऐसा कि जैसे मेरे लिए एक होम फीलिंग है क्योंकि नदीम भाई वांटेड मी टू प्ले फॉर कोटा फ्रॉम डे वन, और जब आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम टू द क्रिकेट तो मैं ग्रेड 2 भी उनकी उमर एसोसिएट से खेला था, और डे वन से उनका जाता है कि मैं PSL कोटा से खेलूँ, और मैनेजमेंट क्योंकि आजम भाई इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और नदीम भाई है एक मैं तो कहता हूँ लव है जितना वो प्यार दे रहे हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं आई होप कि मैं उस प्यार और उस यकीन पर पूरा उतरूँ कि इस PSL में अच्छा करूँगी। आमिर सर, मैंने आपकी तारीफ की थी कि आमिर का जो एक्सपीरियंस है उनके पास उसका कोई लेवल होता नहीं है, तो इस बयान को आप किस तरह लेते हैं कि सर विद ने आपकी तारीफ की है, और दूसरे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं तो बॉलर्स को कितनी डिफिकल्टीज होती है बैट्समैन को बॉलिंग कराते हुए? देखिए पहले तो कोई भी आपके लिए कोई बड़ा प्लेयर मार्क्स देता है तो आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है, और ही इज लेजेंड एवरीबॉडी नोस, लेकिन ये है कि देखिए पाकिस्तान की पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं हमें पता है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी, तो आपकी जो प्रैक्टिस का पर्पज होना चाहिए वो इन विकेटों के हिसाब से होना चाहिए कि इन विकेटों पर मेरा क्या स्कोर होगा। मेरा माइंड सेट हमेशा ये होता है मैं कभी भी बैट्समैन को नहीं देखता, उस दिन जो विकेट मेरे से डिमांड कर रही है उस विकेट पे कौन सा बॉल मुश्किल हो सकता है बैट्समैन के लिए मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, आपके सामने तो आप बोलिंग को नहीं छोड़ते, मैं हमेशा अपनी फील्ड को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो फील्ड है उसको यूज करूँ मैं उस हिसाब से छोड़ूँ। आमिर भाई, आपने बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की आज, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम को काफी मार पड़ी, क्या वजह है? उन्होंने वेवर बॉलिंग की ज्यादा नहीं, आखिरी दो ओवर उसने बहुत अच्छे किए हैं, और पहला देखिए गेम है टूर्नामेंट का विकेट बहुत अच्छा था, ऑनेस्टली कुछ कोई ऐसा दिन आएगा मुझे भी पता ही होगी ऐसे अच्छे विकेटों पे कुछ पता नहीं चलता, T20 इट्स ऑल अबाउट बैट्समैन, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लेकिन एज अ बॉलर आपको अपने प्लान्स का पता होना चाहिए कि आज के दिन जो विकेट मेरे से डिमांड कर रहा है और अपने आप को आप बैट करें तो आई थिंक ईजी हो जाता है। आमिर, ऑल्दो आप पहला सीजन खेल रहे हैं आप क्वेटा से, जो पहला सीजन खेल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब PSL दुबई से स्टार्ट हुई थी
में आप सोचते हैं कि इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप पीएसएल चैंपियन बन सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी टीम से पूछेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल की टीम का बॉलिंग अटैक आप देखिए एक्सपीरियंस के हिसाब से भी नए इंटरनेशनल प्लेयर है मोहम्मद रफी जूनियर स्टिल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान अकील हुसैन फिर मैं इब्रार तो आई थिंक हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है और बॉलिंग यूनिट अगर आप एज अ बॉलिंग यूनिट बात करें तो आई थिंक क्वेटा की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग आखिरी सवाल लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बाबर और कैट बॉल जहाँ पे एक ओवर में दो आउट हो गए वो टर्निंग पॉइंट है क्योंकि वो दोनों अच्छा आठ नौ हर ओवर में कर रहे थे इस विकेट में मुझे लगता है नौ दस की एवरेज कुछ कहती है वो टर्निंग पॉइंट Thank you.